नाउ so स्टूडेंट्स अभी तक हमने आ, एक ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करके देखा है उस स्टोर के अंदर हमने अब हमने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं उसके बाद हमने कुछ एक दो ऑर्डर जनरेट करके देखे हैं थीम्स के साथ हमने थोड़ा प्ले राउंड किया है शिपिंग एड्रेस कैसे हम चेंज कर सकते हैं और ऑर्डर को प्रोसेस कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा सो दैट वाज द फर्स्ट मेजर चंक अब मूविंग फॉरवर्ड नाउ जंप टू एन अदर पार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट वो ये है के आपने आपका जो एंड यूज़र है जो आपका क्लाइंट है जब उसने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो अभी तक तो हमने ये एज्यूम किया है कि जो जो पेमेंट है वो वो कैश ऑन डिलीवरी है कैश ऑन डिलीवरी से हम होती है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया जब आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन है या कोई फिटनेस की आपकी आपकी वॉच है आपको जब वो घर पे रिसीव हो जाएगी फिजिकली आप उसको वेरीफाई करेंगे और जो राइडर लेके आएगा कोरियर सर्विस वाला आप उसको पे कर देंगे अगेंस्ट द बिल तो ये, ये हम इसको सी ओ डी भी बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी और दैट इज वन वे लेकिन जब हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इस सी ओ डी में ऑनलाइन का का जो कॉम्पोनेंट है वो पेमेंट में मिसिंग है तो अब जब हमने ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेट करनी है शॉपिंग कार्ट में दैट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड एक्चुअली इफ आई विल अगर मैं यूं बोलूं आपको तो पहले अब ये समझते हैं कि शॉपिंग कार्ट के अंदर जब हमने पेमेंट को रिसीव करना है या तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं अ पेमेंट गेट वे आसान लफ्ज़ों में अभी पहले ये समझते हैं कि पेमेंट गेट वे है क्या चीज़ सबसे पहली चीज़ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने शॉपिंग कार्ट अपनी ओपन की ऑनलाइन स्टोर ओपन किया तो मैंने कोई चीज बेचनी है फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स को तो मैं वेंडर हो गया मैंने कोई चीज अपने इन्वेंट्री से मैंने बेचनी है ऑनलाइन स्टोर पे तो जो पेमेंट गेटवे है अब पेमेंट गेटवे मुझे एज अ वेंडर अनेबल करता है कि मैं अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दूं अब पेमेंट गेटवे के साथ ताकि जो एंड यूजर है जो मतलब वो यूजर जो चीज़ मुझे खरीद रहा है वो जब मुझे पेमेंट करे तो उस पेमेंट गेटवे का काम ये है आसान लफ्ज़ों में कि वो क्लाइंट से पैसे रिसीव करे वो कैसे रिसीव करे वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू है वो डेबिट कार्ड के थ्रू है वो जैसे भी है वो क्लाइंट से पैसे रिसीव करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे ये पेमेंट गेट का काम है अब ये जो पेमेंट गेट होता है ये एज अ स्टैंड अलोन सोलूशन होता है मतलब इसको मेजेंटो ऑन नहीं करता समझाने की बात कर रहा हूं इसको प्रेस्टर शॉप ऑन नहीं करता ये एक ये आपके जो भी आपका ऑनलाइन सोलूशन है उसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं इसकी सिंपल एग्जाम्पल जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एडसेंस को यूज़ करना है तो गूगल वाले हमें एक कोड देते हैं वो हम अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल एड आना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपने इसको कंपेयर करना है तो पेमेंट गेटवे किसी भी शॉपिंग कार्ट में इम्बेड uh, होती है इंटीग्रेट होती है अब यहां पे ये यह समझने की आपको जरूरत है कि जो पेमेंट गेटवे होता है ना वो किसी ई कॉमर्स स्टोर की ओनरशिप में नहीं होता यानी आप अगर ये कहें कि मेजेंटो ओन कर रहा है फॉर एग्जांपल किसी पेमेंट गेटवे को तो ये गलत है इट्स नॉट अंडर द ओनरशिप ऑफ एनी ई कॉमर्स स्टोर चाहे वो प्रेस्ट्रा शॉप है चाहे वो मेजेंटो है या कोई भी वो थर्ड पार्टी स्टोर है तो कॉमर्स इज नॉट ओन्ड यार ई कॉमर्स स्ट्रो जो होता है वो किसी पेमेंट गेटवे को ओन नहीं करता अब मूविंग फॉरवर्ड ये जो आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं इसके मेन दो ऑब्जेक्टिव हैं अब इसमें आपको ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होती है ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड क्या होता है वो बताना मकसद नहीं है वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अब इसमें यह समझना है आपने कि जो पेमेंट इंटीग्रेट करनी है या जो पेमेंट गेटवे है या जो पेमेंट प्रोसेसर है वो कहाँ पे आता है अब देखें सबसे पहले एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया वो किसी मर्चेंट की वेबसाइट पे आता है मतलब मर्चेंट वेबसाइट से मुराद है कोई ऑनलाइन स्टोर है उस पर कस्टमर ने विजिट किया कस्टमर ने अपना शॉपिंग कार्ड फिल किया साइज ने परचेज की उसके बाद कस्टमर ने कोई पेमेंट का तरीका ऑनलाइन पेमेंट का तरीका चूज़ किया फॉर एग्जाम्पल उसने डेबिट कार्ड को चूज कर लिया या क्रेडिट कार्ड को चूज कर लिया या कोई भी तरीका उसने चूज कर लिया उसके बाद जो कंट्रोल है अब ये समझना है आपने गौर से जैसे ही मैं शॉपिंग कार्ट में चेकआउट के बटन पे क्लिक करता हूं तो उसके बाद जो कंट्रोल है यानी जब मेरे पास पेमेंट की ऑप्शन आती है जब मैं फॉर एग्जाम्पल क्लिक करता हूं कि आई वॉन्ट टू पे बाई क्रेडिट कार्ड जब मैं क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करता हूं या पेमेंट पे क्लिक करता हूं तो जो कंट्रोल है वो मर्चेंट वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑनलाइन स्टोर है तो मेरे ऑनलाइन स्टोर से कस्टमर रीडायरेक्ट हो जाता है पेमेंट गेटवे के वेब पेज के ऊपर अब जो पेमेंट गेटवे का वेब पेज है उसका काम यह है कि वो आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करे उसकी वैलिडिटी को चेक करे और यह चेक करे कि जितनी अमाउंट आप पे करना चाह रहे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में मौजूद है कि नहीं मतलब ये कि मैं एज अ कस्टमर मैंने कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर दिया होगा जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूंगा या मैं पेमेंट करना चाह रहा हूंगा तो द मोमेंट मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूं या पे पे क्लिक करता हूं तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है पेमेंट गेटवे के पास अब पेमेंट गेटवे इज नॉट अ पार्ट ऑफ शॉपिंग कार्ट वो एक अलग सिस्टम है सिर्फ वो हमने इंटीग्रेट किया हुआ अपने मेजेंटो सिस्टम के अंदर या प्रेसर शॉप में यानी उसकी जो प्रोसेसिंग है वो थर्ड पार्टी कर रही है यूं समझे यानी अगर मैं मैंने कोई फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड दिया है तो उस बैंक का कोई पेमेंट प्रोसेसर होगा जो इलेक्ट्रॉनिकली मेरी पेमेंट को प्रोसेस करेगा मेरे अकाउंट से एज अ कस्टमर मेरे अकाउंट से वो अमाउंट को डिडक्ट करेगा जितने का ऑर्डर था दैट्स स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू के जितने अब पैसे वेंडर के अकाउंट में जाने हैं वो ट्रांसफर करेगा ये सारा काम बैंक कर रहा है और उसके बाद जो बैंक है वो मुझसे पैसे काट के उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा जो वेंडर ने मर्चेंट ने पेमेंट गेटवे के साथ एसोसिएट किया हुआ तो यहां पे आप ये देख लें कि जो शॉपिंग कार्ड तक की चीज है यानी शॉपिंग कार्ड तक के जो स्टेप्स हैं वी आर लिविंग इन एक्चुअली विद इन द ऑनलाइन स्टोर द मोमेंट वी सेलेक्ट कि मैंने इलेक्ट्रॉनिकली पे करना है तो फिर कंट्रोल वेबसाइट से निकल के चला जाता है आप समझें एक इंडिपेंडेंट सिस्टम में जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक जो इंफॉर्मेशन है पेमेंट से रिलेटेड वो 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 सारी प्रोसेस करे और वो अमूमन बैंक के कुछ सिस्टम्स होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं ये पेमेंट की प्रोसेसिंग में रीजन बीइंग कि एट द एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट जिसे पेमेंट हो रही है यानी जो कस्टमर है वो भी बैंक वो, वो भी किसी बैंक में है और मर्चेंट का अकाउंट जो आपसे पैसे रिसीव कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे वो भी किसी बैंक में ही है तो बैंक हैज टू कम इन टू डू दिस इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट